ये बदला हुआ चीज है, इसका मुकाबला वो लोग नहीं कर सकते। आज उनको क्या हक है? आप कहते थे कि रामलला का अस्तित्व नहीं है, पिछली कांग्रेस की सरकार ने कोर्ट में लिख कर दिया कि राम सेतु बंधु रामेश्वरम नहीं है और राम जी का अस्तित्व नहीं है। हम जब बोलते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, ये चिल्लाते थे और कहते थे कि बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, कहते रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई और तारीख बताने के साथ साथ हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने शिलान्यास भी किया, छाती को ठोक कर और डंके की चोट पर हमने श्री राम लला के मंदिर के निर्माण का काम भी हमारे कार्यकाल में शुरू हो गया। आज ये लोग जो हाथ में कलावा बांधने से, टीका लगाने से, भगवान की आरती और पूजा करने से जो डरा करते थे कि सांप्रदायिक ना हो जाए, आज राम भक्तों की शक्ति का पता इनको 14 के चुनाव में, इनको 17 के चुनाव में, इनको 19 के चुनाव में पता चल गया। अब कुछ लोग जो आज तक भगवान का दर्शन करने नहीं गए थे, अब बाएं हाथ से दाएं हाथ से कभी आरती तो कभी नहीं होगी, अब बाएं हाथ से भी एक नेता जी आरती करते हुए जूता पहने हुए दिखाई पड़ रहे थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तुम लोक उजागर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, आज वो शंख बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, आज वो घंटा बजा रहे थे घंटा और घंटा बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये मौसमी राम भक्त भी चुनाव के लिए आज प्रकट हो रहे हैं। इन मौसमी राम भक्तों से पूछना चाहिए कि राम जी के मंदिर पर यूनिवर्सिटी बना दो, अस्पताल बना दो, धर्मशाला बना दो, और तौर में नाम नहीं ले सकता ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे कि छाती दहक पड़ती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे कि ये नेता इस समाज को कहां ले जाना चाहते हैं। आज रामलला विराजित हो रहे हैं, हमने वादा किया था। आज धारा 370 को कहते थे हटाने के लिए बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, ये कहते थे अगर धारा 370 हटा दी तो ये पाकिस्तान में कश्मीर चला जाएगा। मोदी जी ने कहा मैंने तो वादा किया है, अमित शाह जी तैयार हो जाओ। अमित शाह जी ने लोकसभा में प्रस्ताव रखा 70 साल की समस्या 70 मिनट में, 1 2 3 धारा 370 फ्री, और धारा 370 फ्री हो गई और कश्मीर में परिंदा ने पर नहीं मारा। अब की 15 अगस्त हुआ था ना, तो वहां पर लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर वहां वंदे मातरम हो रहा था,